हेलो दोस्तों, मेरा नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के जो कि लक्षण कितने होते हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं, पर आप नहीं जानते हैं तो आइए वीडियो में बताते हैं। दोस्तों जो कि स्टूडेंट का लक्षण जो कि 5 होता है, तो सबसे पहला हुआ काग चेष्टा, बकोधियम, स्वनिंदा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। तो दोस्तों एक स्टूडेंट का जो कि लक्षण होता है 5, तो इन सब का जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि सबसे पहला हुआ काग चेष्टा, मतलब कौवा की तरह चंचल होना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कौवा की तरह तेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 पे आता है बकोधियम, मतलब बगला, बगला की तरह एकदम ध्यान लगाए रहना। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि अगर एक बगुला नदी के किनारे बैठा है तो वो मछली के तरफ इस तरह दिखता है कि उसके साइड में कोई भी आ जाए लेकिन उसको देखते ही रहेगा कि कब उसको पकड़ना है। जो कि बगुला की तरह एकदम ध्यान से पढ़ना है क्या मतलब बोल रहा है कॉपी में। नंबर 3 पे आता है अल्पाहारी, मतलब क्या हल्का भोजन करना है, ऐसा नहीं कि एकदम जड़ दिए तो ऐसा भी नहीं करना है, जो कि कम खाना है और जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ाई करना है। नंबर 4 पे आता है स्वनिंदा, मतलब क्या कम सोना है, मतलब अगर रात में सोए तो सुबह 4 बजे ज़रूर उठ जाइए, अपना जो कि होता है क्रियाक्रम करके आइए और जो कि पढ़ने के लिए बैठ जाइए सुबह सुबह। इससे जो कि क्या होता है कि आपका माइंड भी तेज़ होगा सुबह सुबह पढ़ने से और अच्छा भी लगेगा। और जो कि 5वां हुआ गृह त्यागी, मतलब क्या कि अपने घर की टेंशन से मुक्त होकर के पढ़ना है, उसी को बोलते हैं गृह त्यागी। करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि विद्यार्थी का लक्षण क्या है और क्या क्या मतलब होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।